हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, अगर आप ठेले में, रेस्टोरेंट में, ढाबा में फास्ट फूड का मजा लेते हैं और हेल्दी खाना का उम्मीद रखते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में सारी जानकारी है, ये ऐसा खाना खाना चाहिए रेस्टोरेंट ढाबे में, फास्ट फूड का मज़ा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो देखें, उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के संस्कार स्कूल में है और हमारे साथ है सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। आप इजिनो मोटो के संबंध में सवाल उठाए थे, उस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे आप, क्या है, कितने खतरनाक है ये इजिनो मोटो, और आपने कलेक्टर साहब के नाम लेटर भी लिखे हैं, पेपर में भी आया था उस संबंध में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा अजीनोमोटो क्या है। अजीनोमोटो एक प्रकार का केमिकल है। अजीनोमोटो इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अजीनोमोटो जो केमिकल है वो आज के समय में भारत के लगभग सभी फास्ट फूड ठेलों, होटलों में इस्तेमाल पूरे भारत में ये बिक रहा है, ठीक है, और धड़ल्ले से बिक रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जनरली ये जो फास्ट फूड ठेलों वाले, फास्ट फूड होटलों वाले वो करते हैं। क्यों करते हैं मैं ये भी आपको बता दूं। एक्चुअली ये एक प्रकार का केमिकल है जो कि जैसे जो भी आप पकवान खा रहे हैं फास्ट फूड, उसमें डाला गया। अब वो जैसे ही हमारे मुंह में जाता है वो केमिकल हमारे मुंह के स्वाद ग्रंथियों को डीएक्टिवेट कर देता है और दिमाग को गलत सिग्नल भेजता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट खा रहे हैं। भले वो हम चाहे सड़ा हुआ खाएं, चाहे वो जिस भी प्रकार का चीज़ खाएं, वो हमारे दिमाग को ऐसा सिग्नल भेजता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, ठीक है। इसके एवज में बहुत से जो लोग हैं वो हमको सड़ा गला खाना भी खिला देते हैं, आधा पका हुआ भी खिला देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम अजीनोमोटो डाल रहे हैं, इस चीज से अगले को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला तो ये चीज हुआ कि चलिए अजीनोमोटो करता क्या है, ठीक है। अब अजीनोमोटो के नुकसान क्या है। अजीनोमोटो का बहुत ही नुकसान है। अजीनोमोटो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कैंसर का, एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है औरतों में बांझपन का, पुरुषों में नपुंसकता का, माइग्रेन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये। उसी प्रकार इसका एक्सेसिव यूज जो है वो आज के समय में हर किसी को सुनिएगा बीपी, तो ये शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है, और शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने के बाद सिंपल सी बात है, वो जैसे ही शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है और इसका उपयोग ठेले होटलों वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको वो जैसा तैसा भी खिला सके और आप बोले कि भाई बहुत स्वादिष्ट बना है, वाह। तो उनके लिए इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक सीजनिंग की तरह है। इसके पीछे आप मेरी बात मत मानिए, आप एक बार गूगल का जमाना है, गूगल में सर्च कीजिए अजीनोमोटो के नुकसान, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप दूसरे दिन से खाना छोड़ देंगे, दूसरे दिन क्या उसी दिन से आप खाना छोड़ देंगे। इसी संबंध में एक्चुअली कुछ समय पहले मैं ठेले में गया हुआ था, जशपुर में ही गया था, अब कहाँ पे गया था ये नहीं बताऊंगा भाई, हर किसी का अपना अपना व्यवसाय है, ठीक है। तो एक ठेले में गया हुआ था, वहां पे मैंने देखा कि भाई अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तुरंत उसको मना किया, मैं बोला नहीं भाई मत बनाओ तुम, छोड़ दो। मैं तुरंत आया अपने सोशल मीडिया हैंडल से मैंने एक पोस्ट किया तो पता चला कि ये सभी जगह इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ जशपुर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो मेरे दोस्त हैं वो बाहर शहरों में भी हैं, मतलब यहाँ तक कि विदेशों में भी हैं। तो बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद मालूम चला कि ये बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है और विदेशों में ये बैन है। विदेशों में बैन है, ये इस्तेमाल नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, उसने बताया कि हमारे यहाँ ये चीज़ इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं है। तो विदेशों में तो ये बैन है बहुत जगह, तो ये चीज़ हमारे भारत में धड़ल्ले से चल रहा है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज भी होगी, बहुत सारे, मतलब क्या बोला जाए, हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा वो होता है। इसी संबंध में मैंने उस समय सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया तो लोगों का
रिएक्शन आया। उसके हिसाब से उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद इस चीज़ पे एक लेटर बनाया, पर किसी कारण से नहीं दे पाया उस समय। फिर बाद में जब मेरे को फुर्सत मिला तब मैंने 19 दिसंबर को मैं और मेरा एक मित्र, हाँ 19 दिसंबर को मैं और मेरा एक मित्र संजय सिंह, हम लोग जाकर कलेक्टर साहब के पास एक चिट्ठी दिए। तो कलेक्टर साहब किसी दौरे पे गए हुए थे, तो कलेक्टर साहब से भेंट नहीं हो पाई, अपर कलेक्टर साहब से भेंट हो पाई, तो उन्होंने कलेक्टर साहब के पास फॉरवर्ड किया। उसके बाद इसी संबंध में एक पेपर में भी न्यूज़ आया, दैनिक भास्कर में, तो दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ आया और उसके संबंध में इसके लिए जो है ये एबीपी के पोर्टल में भी आ चुका है, एबीपी नेशनल न्यूज़ के पोर्टल में भी ये न्यूज़ आ चुका है अजीनोमोटो के बारे में। तो अब उम्मीद है कि देखिए प्रशासन द्वारा कार्यवाही होगा और ये जो धीमा जहर है इसको बैन किया जाएगा। बैन होना चाहिए, इतना बैन होना चाहिए। देखिए खतरनाक चीज है ये, कहीं ना कहीं आप, आपके घर में दादा दादी हैं? नहीं नहीं अभी नहीं है। जब थे तब स्वस्थ थे, अच्छे स्वस्थ थे, पूरे 100-110 साल से ऊपर स्वस्थ थे, ठीक थे। क्यों आप बोलते हैं वो स्वस्थ थे? खानपान उनका, खानपान की वजह से, खानपान टाइट था। आज के समय में शुद्ध खाना था, शुद्ध खाना था। आज के समय में हम बोलते हैं अशुद्ध खाना है, अशुद्ध सब बोलते हैं। अशुद्ध खाना कहाँ है, क्या है अशुद्ध खाना? यही है, यही सब है। क्या वो सब तो में जानते हैं फास्ट फूड खराब है लेकिन भी खाते हैं? क्या ये अजीनोमोटो आपके दादा दादी खाए थे? नहीं खाए थे। क्या ये इस प्रकार का केमिकल वाला जो चीज है वो सब वो खाते थे? नहीं, वो शुद्ध खाते थे। मेरी दादी 87 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, स्वर्गीय विमला देवी। अंत में जाना होता है तो देखिए बहुत सारी बीमारी और कारण हो जाते हैं, पर जिस दिन वो बीमार हुई एक महीने पहले, उसके पहले तक ना तो उनको बीपी ना तो शुगर किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था। खान पान पुराने समय का खान पान बहुत अच्छा था, आज के समय हमारा खान पान वैसा नहीं है। तो जाने अनजाने में देखिए जो जानकार है वो तो इस चीज को नहीं खाएगा। अब जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि हाँ भाई इससे कैंसर होता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप खाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बस अजीनोमोटो के संबंध में हर ठेलों के बाहर लिखवा दीजिए कि हाँ यहाँ अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, अब इसके जिसका मन है वो जाके खाए, जिसका मन नहीं है वो जाके नहीं खाए। हाँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ ये तो बैन करना चाहे तो बैन ही कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कंट्री में तो बैन है तो यहाँ भी बैन होना चाहिए, ताकि आप ये सोचिए कि भाई आपको किस प्रकार का खाना खिलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई इस चीज को बैन होना चाहिए और आदरणीय कलेक्टर सर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस चीज को संज्ञान में लें और लोगों को धीमे जहर से बचाएं, बस इतना ही कहूंगा। आप क्या तो कहेंगे कि भाई ये बैन बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब को कोई जवाब नहीं आया सर? देखिए चिट्ठी डायरेक्टली हम कलेक्टर सर से नहीं मिले थे, हमने अपर कलेक्टर सर से हम मिले और अपर कलेक्टर सर ने लेटर को फॉरवर्ड किया। अब तो बाद में कुछ जानकारी लेने की कोशिश नहीं किया अभी तक मैं जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया कि इसके पीछे क्या हुआ है क्या नहीं, पर अभी भी ठेलों में ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो ठीक है, कलेक्टर साहब से भी कुछ मैं चाहूंगा कि एक बार कलेक्टर सर के संज्ञान में ये आए। मैं कलेक्टर सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक बार ये कलेक्टर सर के संज्ञान में आए और इस चीज पे एक्शन हो, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को ये जहर धीरे धीरे खोखला करते जाए। बस इतना सही था जी। धन्यवाद सर जी, इसकी जानकारी के लिए आपने बताया जी। सो गाइज, वाकई में खतरनाक केमिकल है फ्रेंड्स, मैंने भी गूगल में चेक किया और सर्च किया तो वाकई में बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप ठेले में फास्ट फूड का मजा लेने जाए तो चेक कर लें कि अगर लेना है कि नहीं लेना है, बाकी आपकी मर्जी। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और मज़ेदार टॉपिक पे लेके। बाकी ओके बाय।